गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं सर क्या ये स्किन डिजीज पूरी तरह ठीक हो सकता है? तो मेरा आंसर होता है हाँ, अगर हम उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए तो, अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो ये डिजीज ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो डिजीज है वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण है या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। अगर दोनों ही फैक्टर हो तो भी उसका इलाज संभव है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके बॉडी के आसपास की चीजें जैसे वेदर हो गया, सनरेज हो गई, डस्ट हो गई, आपको कोई केमिकल है, कोई डिटर्जेंट है, कोई सोप है, कोई कॉस्मेटिक है, अगर ये चीजें इफेक्ट करती हैं, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर। अगर वो डिजीज आपके इंटरनल फैक्टर के कारण, आपकी इंटरनल फिजियोलॉजी की चेंजेस के कारण हुआ है, आपके जो बॉडी में डिजीज सेल्स बनने शुरू हुए, आपके इम्यून सिस्टम ने बनाए या आपके और किसी सिस्टम ने अगर वो सेल्स बनाने शुरू कर दिए, तो वो आपके इंटरनल फैक्टर हैं। सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस, उसके बाद आपके जो वात पित्त कफ बॉडी के जो तीनों ह्यूमर्स हैं वो कहाँ डिस्टर्ब हुई, कहाँ इम्बैलेंस हुआ, वात कहाँ डिस्टर्ब हुई, पित्त कहाँ डिस्टर्ब हुई, कौन सा दोष बढ़ गया, कौन सा कम हुआ। उसके बाद आपकी जो धातुएं हैं, सात धातुएं हैं बॉडी में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो डिजीज आपकी धातु के किस लेवल तक गया, इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। और बॉडी के जो वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में से वो दोष, वो वेस्ट बाहर नहीं निकले, वो अंदर ही शरीर के रहे, तो उसने अपना डिजीज पैदा कर दिया। इन सब चीजों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। उस डायग्नोसिस के बिना पर हम डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा एक रूट कॉज ट्रीटमेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब तक हम कॉज को नहीं पकड़ते तब तक हम ट्रीट नहीं करते। ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है कि सिम्टम्स देखे और उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। इट इज ए कंप्लीट साइंस। आपकी बॉडी के एनालिसिस के बाद आपका प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ डिजीज आपकी क्या है वो पता लगेगा, उसके बाद इसका इलाज शुरू होगा। आयुर्वेदा एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें जड़ी बूटियों का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट, और ये जड़ी बूटियां कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। हमने काफी क्रॉनिक केसेस में बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट कई बार देखे हैं कि पेशेंट इतना सीरियस हो और इतनी उसकी बड़ी हुई प्रॉब्लम हो, इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, और सिर्फ आयुर्वेद से वो ठीक हो जाए। ये हमने चमत्कार होते हैं आयुर्वेद से देखे हैं। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है आयुष सुधा, ये लगातार ही स्किन डिजीजेस पर रिसर्च कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स। मेरे फादर वो भी एक डॉक्टर हैं, वो 25-30 ईयर्स से वो रिसर्च कर रहे हैं। तो इस रिसर्च से हमने इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे योग इन द एक्सट्रैक्ट फॉर्म निकाले हैं जो क्रॉनिक स्किन डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे लाइकन प्लैनस है, पेम्फिकस है, हेयर डिसऑर्डर्स है, एलोपेशिया रेटा है, लिम्फ डिसऑर्डर है, क्रॉनिक अल्सर है, वेस्कुलाइटिस है। नंबर ऑफ डिजीजेस हमने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ठीक की है, और आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है जो लॉन्ग लास्टिंग है और सदियों से ये चली आ रही है। इसको मदर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद से पहले कोई और इलाज का तरीका नहीं था। आज जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो आयुर्वेदिक आचार्यों ने 5000 साल पहले लिख दिया था, वो आज भी सच है। आज भी वो डिजीज मिलते हैं और आज भी उन डिजीजेस का क्योर आयुर्वेद से पॉसिबल है।